हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 का 7 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस बीच गोहाना के कोहला गांव के रहने वाले पंकज सांगवान, जो कि एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 में सवार थे, उनके परिजनों का हाल बेहाल है। इनके परिजनों ने अब सरकार से जल्द विमान खोजने की मांग की है। साथ ही परिजनों ने सरकार द्वारा सूचना देने वाले को 5 लाख इनाम देने की घोषणा को भी सही करार दिया है। पंकज की माने सरकार से अपने बेटे की जल्द से जल्द तलाश कर उसे सही सलामत लौटाने की मांग की है। विमान AN-32 अरुणाचल प्रदेश में मेचुका एयरफील्ड से 3 जून को लापता हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया। पश्चिम बंगाल में बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद बीजेपी ने सोमवार को बसरहाट में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। बीजेपी 10 जून को पूरे राज्य में काला दिवस के तौर पर मना रही है, साथ ही 12 जून को विरोध रैली निकाली जाएगी। बसरहाट के संदेश खली में झंडा हटाए जाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 8 लोगों के मार जाने की खबर है। इनमें से 5 कार्यकर्ता बीजेपी और 3 टीएमसी के बताए जा रहे हैं। रविवार को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मारे गए कार्यकर्ताओं की शोक यात्रा निकाली, जिसे पुलिस ने रोक दिया। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर गृह मंत्रालय ने गहरी चिंता जाहिर करते हुए एडवाइजरी जारी की थी। इसमें ममता सरकार को नागरिकों में विश्वास बनाए रखने में विफल बताया था। एडवाइजरी के जवाब में पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा, इसमें उन्होंने दावा किया है कि राज्य में हालात नियंत्रण में। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी राजनीतिक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है, हम उचित जवाब देंगे। इसके अलावा टीएमसी ने भी गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर कड़ी आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में टीएमसी ने एडवाइजरी वापस लेने के लिए कहा है। टीएमसी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने बिना जमीनी हकीकत को जाने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस पूरे मामले में राज्य सरकार से भी कोई रिपोर्ट नहीं ली गई। ईस्टर संडे अटैक का दर्द झेल चुके श्रीलंका ने मुस्लिम प्रभाकरण को नापन अपने देने को लेकर दुनिया को चेतावनी दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने दुनिया के सभी देशों से एकजुटता दिखाने का आग्रह किया। सिरिसेना ने माना कि देश अब विभाजित हो चुका है, देश में धार्मिक नेता और राजनेता पटे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो मुस्लिम प्रभाकरण के पैदा होने के लिए कोई जगह न छोड़े। जेजेपी को हरियाणा में एक बड़ा झटका लगा है। झटका जेजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री जगदीश नायर के जेजेपी को छोड़ बीजेपी का दामन थामने पर लगा है। जगदीश नायर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के नेतृत्व में पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। जगदीश नायर रविवार को रोहतक में जेजेपी की बैठक में भी शामिल हुए थे, लेकिन बैठक से निकलते ही वो सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से मिले और देर शाम उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जगदीश नायर होडल से 2 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। वे पहली बार 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। उसके बाद 2009 में इनेलो के टिकट पर विधायक बने, लेकिन इनेलो के बिखराव के बाद नायर दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी में शामिल हो गए। नायर के जेजेपी छोड़ बीजेपी में शामिल होने से होडल में पूरी तरह से पार्टी कमजोर हो गई है और बीजेपी को एक मजबूत प्रत्याशी मिल गया है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। दिल्ली में अमित शाह ने प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों के साथ बैठक की। 21 जून को रोहतक के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर कांग्रेस की अहम बैठक हुई। हुड्डा गुट के कई नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में 2 प्रस्ताव पास हुए। जेजेपी ने नया चुनाव चिन्ह का ऐलान कर दिया। चाबी जेजेपी का नया चुनाव चिन्ह होगा। दुष्यंत ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हमें चाबी मिल गई है। जाने माने कन्नड़ साहित्यकार, रंगकर्मी, एक्टर गिरीश कर्नाड का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की वजह मल्टीपल ऑर्गन का फेलियर होना बताया जा रहा है।
गिरीश लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। पिछले कुछ महीनों से उनका इलाज चल रहा था। गिरीश ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने कमर्शियल सिनेमा के साथ समानांतर सिनेमा के लिए भी जमकर काम किया। गिरीश कर्नाड को 1978 में आई फिल्म भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। उन्हें 1998 में साहित्य के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। मंडी डबवाली में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लोगों का गुस्सा फूटा। दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। थाने में तैनात पूरे स्टाफ का तबादला कर दिया गया। बढ़ती गर्मी के कारण लगातार आगजनी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया। यहां शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया। हालांकि घटना के दौरान घर में मौजूद बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पोती फिलहाल सुरक्षित बताई जा रही है। दंपति का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं पुलिस भी आगामी कार्रवाई में जुट गई है। राय के कुंडली के प्लॉट नंबर 348 में फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। 18 घंटे बाद भी काबू से बाहर ये आग बताई जा रही है। वहीं वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को दूसरी जीत मिली। टीम इंडिया की आंधी में ऑस्ट्रेलिया उड़ गया। विराट सेना ने 36 रनों से कंगारुओं को मात दी।